स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी भी दिलचस्पी है कि ये इलाके तरक्की करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुश थे कि वो भी साथ हैं मेरे, और मैं खुश हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। इकॉनमी लीडरशिप जो है वो एक जगह पर इकट्ठी हो और मुल्क की तरक्की के लिए खासतौर पर इकट्ठी हो, मुल्क की खुशहाली के लिए अगर खासतौर पर इकट्ठी हो, तो मैं समझता हूँ कि ये राज है कामयाबी का। ये साहब, आपने इंडियन पीएम का भी जिक्र किया और कहा कि तदब्बुर से हर चीज सॉर्ट हो सकती है, और जो आपने स्टेप लिया, जो उन्होंने स्टेप लिया, तारीखी स्टेप, बेसिस क्या था इसका? वही तदब्बुर था, बातचीत था, बर्दाश्त था। देखिए, मैंने अभी ये भी साथ कहा है, मिसाल दी कि प्रेसिडेंट ओबामा ने तदब्बुर के साथ मामला फैमिली के साथ मामला को हल किया है, ईरान के साथ बातचीत के जरिए से मसले का हल किया है। अमरीका के जो पहले सदर थे वो कुछ मालूम और सोच रहे, लेकिन ये क्रेडिट यकीन प्रेसिडेंट ओबामा को जाता है कि उन्होंने इतना बड़ा मसला तदब्बुर के साथ हल किया। तदब्बुर के साथ तो आप दुनिया के मुश्किल तरीन मसले भी हल कर सकते हैं, और आजकल का जमाना भी तदब्बुर का है, तदब्बुर से ही रास्ते निकालते हैं, निकाल भी चलते हैं। तो उस दिन आपकी बर्थडे पे कोई कोई तोहफा दिया पीएम साहब ने, कोई बात की, कोई प्रॉमिस किया, कोई आगे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है इसकी कोई बात की? एक अच्छा खैर सगाली का जज्बा था जो लेके अपने साथ आए, और मैं समझता कि खैर सगाली जो है ये बड़े मसाइल का हक, और ये जज्बा हम ये बरकरार रखें अपनी आइंदा गुफ्तगु में, और आइंदा हमारे जो आपस में बानी गुफ्तगु होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे यकीन हमारे मसाइल हल करने में बड़ी आसानी।